इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी हैं। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए, यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। साथियों, इतने दशकों तक देश ने बम धमाके झेले हैं, आतंकवाद ने सैकड़ों जीवन तबाह किए हैं, और हमारे सपा वाले क्या करते थे? कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है, जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे, जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती थी कि तुमने आतंकवादी को पकड़ा क्यों, घर जाओ। साथियों, मिर्जापुर को तो इन्होंने बदनाम करके रखा था, इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन कब छिन जाए कोई नहीं जानता था, और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर, यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर थर कांप रहा है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।